कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण आएंगे। कब आएंगे आचार्य? कब आएंगे? शीघ्र शीघ्र आएंगे। वो उस स्वर्ग से आ रहे हैं ना, तो विलंब तो होगा ही। वो मछलीपट्टनम से विजयनगर आने में भी तो समय लगता है। वो तो स्वर्ग से आ रहे हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराज, गुरु ठीक कह रहे हैं, हमें पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां मर गया ये पंडित रामकृष्ण? गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण अब नहीं आने वाले। नहीं आने वाले? नहीं आने वाले तो जाएंगे कहाँ? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपकी तरह मूर्ख नहीं है। मेरा मतलब है कि वो आपकी तरह नहीं सोचता। तुम कहने के चाहते हो? गुरुजी, आपके मन में चल रहा था कि पंडित रामा आ भी गया तो आपका क्या बिगाड़ लेगा, परंतु पंडित रामा ने ये ठान लिया है कि वो नहीं आएगा और उसकी हत्या के आरोप में आपको दंड मिलेगा। गुरुजी, मुझे तो अभी से ही आप सोने पे लटके हुए दिखाई दे रहे। गुरुवर, वो लघु शंका के निवारण है तो आपसे आगे चाहता हूँ। शंका तो हमें तुम पर हो रही है, कहीं नहीं जाओगे तुम। जो भी होगा साथ में भुगतेंगे। ये रुको। मंत्रीवर, यदि पंडित रामकृष्ण नगर में ही हैं, तो दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हो रहे? कुछ पता नहीं है महाराज, क्या बात है? तो कुछ कीजिए मंत्रीवर। महाराज, आप यही बात मुझसे जोर से कहें। मंत्रीवर, तो बताइए अब क्या किया जाए इस विषय में। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण अभी तक स्वर्ग से नहीं पधारे, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आप हमसे क्यों पूछ रहे? हमारी मंत्रणा है कि मांगली सतैया और आत्मा स्वामी को कारागृह में डाल देना चाहिए, और आपको। हमको? हमको क्या मंत्रीवर? जैसे महाराज का आदेश। महाराज, पंडित रामकृष्ण अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। पंडित रामकृष्ण हमारा, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। हमारा विश्वास है महाराज, वो सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। के चेहरे के हाव भाव मुझे समझ में नहीं आ रहे आचार्य, आप मुझे देखकर आनंदित हो रहे हैं या फिर क्रोधित? कहां थे आप पंडित रामकृष्ण? स्वर्ग में था गुरुवर, आप ही ने तो भेजा था। वहां चारों ओर आनंद ही आनंद था, वैभव सुख शांति ही शांति, रंभा उर्वशी मेनका उन सबके नृत्य। परंतु ये सब कुछ केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है जिन्होंने पुण्य कर्म किए हो। हाँ हाँ, तो पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। बताइए, स्वर्ग लोक में हमारे पिताश्री कैसे हैं? महाराज, स्वर्ग में मेरी भेंट आपके पिताश्री से हुई, वे बड़े प्रसन्न हैं। जिस तरह से उनके पुत्र अर्थात आपने पूरा राजपाट संभाला हुआ है, उसे देखकर वे बड़े आनंदित हैं।
उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद और विजयनगर के नागरिकों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं भेजी। अद्भुत, हमें बड़ी प्रसन्नता एवं संतोष है कि हमारे पिताश्री ने आपके द्वारा हमारे लिए प्रशंसा भेजी और सभी के लिए शुभकामनाएं। और बताए पंडित रामकृष्ण, हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक में सकुशल तो हैं? उन्हें कोई दुविधा, कोई आपत्ति, कोई समस्या तो नहीं? हाँ महाराज, हैं तो सही, परंतु परंतु क्या पंडित रामकृष्ण, हमें शीघ्र बताइए क्या समस्या है हमारे पिताश्री को स्वर्ग लोक में? महाराज एक नहीं, उन्हें दो दो समस्या है। देखिए महाराज, एक समस्या तो मेरे मुखमंडल पर ही है, मेरे बड़े हुए बाल, दाढ़ी, मूंछ, स्वर्ग में कोई नाई ही नहीं है। आपके पिताश्री की दाढ़ी तो इतनी लंबी हो गई है कि स्वर्ग से धरती तक छू रही है, और बाल महाराज, बाल तो बिल्कुल जटाओं की तरह 20-20 गज के हो चुके हैं। इसीलिए तो आपके पिताश्री ने मुझे स्वर्ग में बुलावा भेजा था, ताकि मेरे माध्यम से वो आप तक ये संदेश पहुंचवा सके। क्या संदेश? केवल संदेश ही नहीं महाराज, उनका आदेश है कि विजयनगर राज्य का राज केश कर्तक मंगली सतैया शीघ्रता से स्वर्ग भेजा जाए उनकी सेवा में, ताकि वो उनके मस्तक के बाल, दाढ़ी और मूछ काट सके, साफ कर सके। परंतु मान्यवर, स्वर्ग में भी किसी की दाढ़ी मूछ बढ़ती है क्या? बिल्कुल बढ़ती है, ये देखिए मेरी बड़ी है ना, मैं भी तो स्वर्ग जाकर ही आया हूँ, क्यों? ठीक है पंडित रामकृष्ण, और दूसरी दुविधा क्या है? महाराज आपके पिताश्री की दूसरी समस्या ये है कि वो स्वर्ग लोक के अतिरिक्त दूसरे लोकों के भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, जैसे वैकुंठ लोक, कैलाश, ब्रह्म लोक। परंतु इसमें हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, वो तो स्वर्ग लोक में है। नहीं महाराज, आप उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। मतलब? ये कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। आत्मा स्वामी, किंतु ये कैसे सहायता कर सकते हैं? वैसे ही जैसे मुझे स्वर्ग भेजा था। महाराज आपके पिताश्री को एक कुशल तांत्रिक की आवश्यकता है, जो उनके विभिन्न लोकों पर भ्रमण करने की व्यवस्था कर सके। मुझे प्रतीत होता है कि आत्मा स्वामी इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। वो तो कहीं से भी किसी को भी कहीं भी भेज देते हैं, क्यों? परंतु महाराज, किसी भी व्यक्ति का लोक परलोक में यूं भ्रमण करना संभव नहीं है, यह असंभव है महाराज। कैसे असंभव है? आपने तो मुझे स्वर्ग लोक की यात्रा पर भेजा था ना, क्यों भेजा था ना? महाराज मुझसे भूल हुई है, ये सब असत्य था। मुझे भी क्षमा करें महाराज, मैं चिता पर नहीं बैठना चाहता, मुझे नहीं मरना है महाराज, और ऐसी त्रुटि भविष्य में कभी नहीं होगी महाराज, क्षमा करें महाराज। महाराज ये सब लालच में मैंने ढोंग रखा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। परंतु आप ही ने तो पंडित रामकृष्ण को स्वर्ग लोक भेजा था। महाराज मैंने उन्हें कहीं नहीं भेजा महाराज, मैंने पंडित रामकृष्ण को कहीं नहीं भेजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु जी, संभावनाएं तो ऐसी दिख रही है कि आपका अंतिम समय निकट है, बचना असंभव है। पंडित रामकृष्ण ये क्या कह रहे हैं? जी महाराज ये सत्य है, मैं स्वर्ग नहीं गया था, यही था विजयनगर में। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया पंडित रामकृष्ण? महाराज आप ये प्रश्न मुझसे नहीं, इस तांत्रिक से करिए, जिसने अभी आपके सामने मना किया कि ये किसी को कहीं नहीं भेज सकता, स्वर्ग तो दूर की बात है। फिर इसने मुझे चिता पर लेटाने का षड्यंत्र क्यों किया महाराज? महाराज ये अवश्य पंडित रामकृष्ण के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। बोलिए ये षड्यंत्र किसका था? मेरी बात मानो, आप अपने आप को समर्पण कर दो, हो सकता है फांसी की बजाय आपको आजीवन कारावास मिल जाए। बोलिए बोलिए यह किसका षड्यंत्र था?
महाराज ये गुरुवार हम जानते हैं ये षड्यंत्र किसका था। ये समस्त प्रपंच हमारा रचाया था। हमें ज्ञात था तांत्रिक का पंडित रामकृष्ण को स्वर्गलोक भेजना केवल एक ढोंग था। गुरुवर तो भोले हैं, हमारे स्वर्गीय पिताश्री का संदर्भ आते ही उभाव हो गए और इन अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगे। सही है महाराज, सही कहा। हमें विदित है गुरुवर, इस प्रपंच का प्रारंभ होते ही हम इसको समाप्त भी कर सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकालते हैं। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि महाराज भी इस प्रपंच में सम्मिलित हैं। वाह महाराज। गुरुजी, आपने पिछले 6 जन्मों में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज बच गए, नहीं तो आप। तांत्रिक आत्मा स्वामी, हमें ज्ञात था कि आपका ये प्रपंच आपके स्वर्गलोक भेजना एक ढोंग था, परंतु हम आपके इस प्रपंच में सम्मिलित हुए, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं, परंतु स्मरण रहे दोबारा ऐसा दुष्कर्म किया तो मृत्यु दंड मिले। महाराज, पुनः ऐसी गलती कदापि नहीं होगी। महाराज, कदापि नहीं होगी। मुझे भी क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे चिता पर नहीं बैठना है, मैं मरना नहीं चाहता महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। मंगली सतैया, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु आज से आप ध्यान रखें कि आपके स्वप्न केवल आप तक ही सीमित रहे, किसी और से इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज, अवश्य। और हम पंडित रामकृष्ण के विचार से सहमत हैं, स्वप्न मात्र स्वप्न होते हैं, उन पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, आपको इन सारे षड्यंत्रों का ज्ञान था? हाँ पंडित रामकृष्ण, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं महाराज। आप हमारे विशेष कक्ष में आए, राज दरबार में इस विषय में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझे चिता पर जाने दिया। पंडित रामकृष्ण, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा? आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सब रचा? ईश्वर, यदि मुझे कुछ हो जाता तो। अरे अरे पंडित रामकृष्ण, हम आपको विस्तार में समझाते हैं। महारानी चिन्ना देवी को आप पर पूर्ण भरोसा था कि कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, लेकिन आप उससे सुरक्षित बचकर निकल जाएंगे। हमें इस बात पर थोड़ा सा संदेह था, तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। बस इसी बात पर महारानी चिन्ना देवी और हमने शर्त लगाई। शर्त? मात्र एक शर्त के लिए आप दोनों ने मुझे स्वर्ग भेजने का कार्यक्रम बना लिया? यदि मैं सच में स्वर्ग चला जाता तो? पंडित रामकृष्णा, इतना व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बचाने की योजना भी तो बना ली थी, धुआं करवाया था, सुरंग बनवाई थी, ये सब आप ही की तो सुरक्षा के लिए किया था हमने। मंत्रीवर, वो सब महाराज ने करवाया था? हाँ पंडित रामकृष्ण, ये सही है। पंडित रामकृष्णा, महारानी चिन्ना देवी ये शर्त जीती अवश्य है, परंतु हमारी इस हार से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, और आप पर हमें गर्व है। हाँ, हमें भी गर्व है। धन्यवाद, मैं भी प्रसन्न हूँ महाराज कि आप ये शर्त हार गए, अन्यथा मैं स्वर्गवासी हो जाता। महाराज, एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगा, आपने शर्त में दांव पर क्या लगाया था? दांव पे?
दांव पे तो कुछ नहीं लगाया था हमने। लो बोलो, दांव पर भी कुछ नहीं लगाया था। अर्थात आप दोनों ने बिना किसी विशेष प्रयोजन के शर्त लगाकर मुझे सीधा स्वर्ग भेजने का कार्यक्रम बना लिया था। धन्य है महाराज, धन्य है आप दोनों। परंतु आप हमें छोड़कर हमारी चोटी की पूजा क्यों कर रही हैं? स्वामी, हमने सुना है कि एक पंडित की बुद्धि उनकी चोटी में होती है, तो हम आपकी चोटी में अदृश्य रूप से उपस्थित आपकी बुद्धि की पूजा कर रहे हैं। शारदा देवी भी पंडित रामा कृष्ण की बुद्धि की पूजा करती होगी। हाँ गुरुजी, पंडित रामा की बुद्धि इतनी तेज है कि स्वर्ग जाने के प्रपंच से भी बच के निकल आया। चुप रहो मूर्खो। तुम दोनों पंडित रामाकृष्णा को अमावस्या के पूर्व पकड़ नहीं पाए, अन्यथा हम उसकी चोटी पकड़कर उसे विजयनगर की सीमा के बाहर छोड़कर आते। हल्दी हमारे मुंह में चली गई। आपका शीश इतना चमकीला है कि सब कुछ फिसल कर आपके मुंह में जा रहा है। अरे भोग लगा रहे थे स्वामी, परंतु सेब आपकी शीश पर टिकी नहीं रहा है। कील डाल दीजिए। अरे दुष्ट, गुरुजी को कष्ट नहीं होगा। ऐसा करते पत्थर लेते पत्थर और गुरुजी के शीश पे रगड़ देते, शीश बिल्कुल खुरदुरा हो जाएगा, फिर सब कुछ टिक जाएगा। बड़ा अच्छा विचार है। हाँ? इधर आओ। हाँ गुरुजी, सही कहा। तो क्या उससे हमें कष्ट नहीं होगा क्या? हमारे पास एक उपाय है। ये क्या कर दिया आपने? अच्छा, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई? नहीं स्वामी, अभी अग्नि प्रज्वलित करना शेष है। जी, हमारी चोटी में अग्नि लगाओगी? नहीं नहीं स्वामी, दीपक में आपकी आरती जी उतारनी है। गुरु माता, मुझे समीप आई है। आप भूल रही है, आप गुरु जी की नहीं उनकी चोटी की पूजा कर रही है। बस, बहुत हो गया। अभी एक काम कीजिए, जो फलों का उद्यान है हमारे शीश पर से हटाइए। नहीं स्वामी, आपको सूर्यास्त तक ऐसे ही रहना है। क्या जी, तुम दरबार में इस अवस्था में कैसे जा पाएंगे? स्वामी, आपने हटाया तो अनर्थ हो जाएगा, को एक वर्ष तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक वर्ष? जी स्वामी। वरुण बाला, यदि हम इस अवस्था में दरबार चले गए तो हमारा उपास होगा। गुरुवर, पगड़ी पहन कर जाइए, फलों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। ये उचित रहेगा स्वामी। स्वामी, अति तेजस्वी लग रहे हैं आप। अच्छा, हम जाएं। धन्यवाद। बिना अनुमति प्रवेश निषेध है मान्यवर। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारा मार्ग रोकने का? जानते नहीं कौन है हम? क्षमा करें गुरुवर, वो आपकी पगड़ी पहचान नहीं पाया प्रभु। द्वार की सुरक्षा पर ध्यान लगाओ, हमारी पगड़ी पर नहीं। प्रणाम आचार्य। क्या बात है, आज आपने सर पर ये पगड़ी क्यों धारण की हुई है? पगड़ी? हाँ, वो बाहर बहुत तेज धूप है ना, सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति से चमक रहे हैं। हाँ वो तो है, परंतु राज दरबार में तो कोई धूप नहीं है आचार्य। ये हमारा सर है, हमारी पगड़ी, हम कुछ भी करें हमारा समझाना और आपका समझना आवश्यक नहीं है। जी, जो आ गया पगड़ी। अरे आचार्य, आपने ये पगड़ी क्यों धारण करके रखी है? क्या आपको ठंड का एहसास हो रहा है? फिर पगड़ी। मंत्रीवर, जब किसी व्यक्ति को ठंड लगती है तो वो अग्नि के समक्ष बैठता है, उष्णता देने वाले वस्त्र धारण करता है, ये ठंडे वस्त्र की पगड़ी पहनकर नहीं घूमता है। क्षमा कीजिए आचार्य, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम आचार्य, आपने सर पे पगड़ी क्यों पहन रखी है? फिर पगड़ी।
कोतवाल, यदि एक शब्द भी हमारी पगड़ी के बारे में और कहा ना तो हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे आपको। क्षमा आचार्य, क्षमा। ये पगड़ी ना हुई जी का जंजाल हो गया। जिसे देखो हमारी पगड़ी के विषय में बात कर रहा है। अब यदि किसी ने हमारी पगड़ी के विषय में एक भी शब्द कहा ना तो हम उठाकर मार फेंक देंगे। सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली बाहुबली, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की।